हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग. टुडे इज आज स्टार्टेड टू अवर टॉपिक इज ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक एंड फॉर द जीएनएम सेकेंड ईयर. तो बच्चे स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क. स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान. डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की. सबसे पहले क्या है, ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ होलसम फूड फॉर द बेबी. मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो स्तन मिल्क होता है, वो क्या होता है, होलसम फूड फॉर द बेबी. मतलब बहुत ज़्यादा होलसम, मतलब पौष्टिक फूड होता है बेबी के लिए. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड बेबी विद द केयरिंग इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन. मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड बेबी विद द केयरिंग इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन. ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, ब्रेस्ट स्तनपान जो होता है, या फिर स्तनपान जो होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब सबसे प्रभावी वे होता है टू प्रोवाइड बेबी, बेबी को देने वाला अ केयरिंग इन्वायरमेंट, ताकि हम उनको एक केयरिंग इन्वायरमेंट, सुरक्षित इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें, एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन, और साथ में हम लोग उनको कंप्लीट भरपूर न्यूट्रिशन दे सकें. तो बच्चों ये थी डेफिनेशन कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है होलसम फूड होता है, मतलब बहुत पौष्टिक आहार होता है बच्चों के लिए. और ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव वे होती है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो पौष्टिक आहार होता है बच्चों के लिए. लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान जो होता है, वो एक वे होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक केयरिंग इन्वायरमेंट और कंप्लीट न्यूट्रिशन, मतलब पूरी तरीके से हम उनको आहार प्रदान कर सकते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एंड WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबीज अंटिल 6 मंथ ऑफ एज. यूनिसेफ ने और WHO ने रिकमेंड्स किया, मतलब सिफारिश की कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबीज, मतलब बेबीज को अनन्य, मतलब जब तक, एंड एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान कराना है अंटिल 6 मंथ ऑफ एज, मतलब 6 माह तक बच्चों को सिर्फ क्या करना है, स्तनपान ही कराना है, उसके अलावा हम उसको कुछ दूसरी चीज़ नहीं दे सकती है. तो ये चीज़ जो यूनिसेफ एंड WHO ने क्या की, रिकमेंड की. तो बच्चों ये था डेफिनेशन. उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स, मतलब ब्रेस्ट मिल्क के क्या प्रकार हैं. तो सबसे पहले मेनली कितने प्रकार के होते हैं, मेनली ये पाँच प्रकार के होते हैं. एक कोलोस्ट्रम मिल्क, नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क, नेक्स्ट है मैच्योर मिल्क, उसके बाद है फोर मिल्क, एंड नेक्स्ट है हैंड मिल्क. तो मतलब बच्चों ये पूरे कितने होते हैं, 5 होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कोलेस्ट्रम मिल्क से. कोलेस्ट्रम मिल्क क्या है, इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी. ये जो मिल्क होता है सिक्रेटेड, मतलब निकलता है, ड्यूरिंग कब निकलता है, किसके बीच में, द फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी के 3 दिन तक, मतलब डिलीवरी के 3 दिन तक ये जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है ये लगातार क्या होता है, सिक्रीट होता है. इट इज़ थिक एंड येल्लो इन कलर. ये मतलब थिक मतलब मोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है, एंड येल्लो इन कलर. और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, पीला कलर का होता है, एंड रिच इन एंटीबॉडी. और ये जो 3 दिन तक जो ये कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, जो डिलीवरी के 3 दिन तक लगातार सिक्रीट होता है, तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंड विटामिन, साथ में विटामिन होती हैं A, D, E, and K. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये विटामिन्स पाई जाती हैं. साथ में एंटीबॉडीज जो हैं वो भी साथ में पाई जाती हैं. कौन से मिल्क में पाई जाती है बच्चों, कोलेस्ट्रम मिल्क में ये एंटीबॉडीज और विटामिन जो हैं वो पाई जाती हैं. जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है बच्चों वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है, और येल्लो इन कलर होता है. और ये मेनली कितने दिन तक मतलब सिक्रीट होता है, डिलीवरी के 3 डेज तक, मतलब जैसे मतलब मदर का प्रेशर होता है उसके 3 दिन तक ये जो मिल्क होता है वो सिक्रीट होता है मदर के स्तन से. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क. ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, इट इज़ द मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स. और ये जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ये मिल्क जो होता है वो सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स, मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते तक, मतलब जब से डिलीवरी हुई होती है उसके 2 हफ्ते तक, मतलब 14 दिन तक क्या होता है, जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो क्या होता है, सिक्रीट होता है, मतलब निकलता है. द इम्यूनोग्लोबुलिन एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज वाइल फैट एंड शुगर इंक्रीज. लेकिन इसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं और जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, लेकिन
वाइल्ड फैट एंड शुगर इंक्रीज, और लेकिन क्या होता है इसमें फैट और जो शुगर होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। बच्चों हमने ट्रांजिशन मिल्क में क्या पढ़ा था कि उसमें एंटीबॉडीज और विटामिन जो हैं वो सिक्रीट हो रहे थे, मतलब उस मिल्क में वो चीज़ें पाई जा रही थी। और इस मिल्क में क्या है कि जो प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फैट और शुगर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये था ट्रांजेक्शनल मिल्क, ये दो हफ्ते तक सिक्रीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या होता है बच्चों, इट फॉलोज ट्रांजेक्शनल मिल्क, इट इज थिनर एंड वॉटरी बट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी। इट फॉलोज ट्रांजेक्शनल मिल्क, मतलब ये जो होता है ट्रांजेक्शनल मिल्क को फॉलो करता है, मतलब ये भी 2 वीक्स तक क्या होता है सिक्रीट होता है। जैसे ट्रांजेक्शनल मिल्क सिक्रीट होता है वैसे ही मैच्योर मिल्क भी क्या होता है बच्चों सिक्रीट होता है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल मिल्क को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, फॉलो मतलब सेम उसकी तरह। इट इज थिनर एंड वॉटरी, ये क्या होता है थिनर मतलब क्या होता है पतला होता है, और वॉटरी मतलब इसमें क्या होता है पानी होता है। बट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मतलब सारे आहार पाए जाते हैं। फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी, मतलब ऑप्टिमम मतलब जितनी ज़रूरत है एक बच्चे को उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके बॉडी के बॉडी को ग्रोथ होने में उसको जितना ऑप्टिमम मतलब उसको जितनी मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको इस मैच्योर मिल्क में मिलते हैं। तो बच्चों ये था मैच्योर मिल्क। ये मैच्योर मिल्क की ये क्या था कि ये थिनर होता है और वाटरी होता है, लेकिन इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो एक बच्चे के ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है फोर मिल्क। फोर मिल्क क्या है, इट इज़ द मिल्क सिक्रीटेड एट द स्टार्टेड ऑफ अ फीड। ये कब सिक्रीट होता है, जैसे ही बच्चा फीड करना स्टार्ट कर देता है, जब बच्चा फीड करना स्टार्ट कर देता है मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको सक करना स्टार्ट कर देता है, वैसे ये क्या होता है सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन शुगर विटामिन एंड वाटर, और जो फोर मिल्क होता है उसमें मतलब अधिक मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है, शुगर भी पाया जाता है, विटामिन और साथ में उसमें क्या होता है वाटर भी ऐड होता है। उसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है जो फोर मिल्क होता है जैसे ही बच्चा फीड करना स्टार्ट कर देता है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है, और इसमें प्रोटीन शुगर विटामिन एंड वाटर सारी चीज़ें जो हैं वो रिच मात्रा मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट वन है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क क्या है, इट कम्स लेटर, मतलब ये क्या होता है ये बाद में आता है, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ ए फीड, मतलब जब फीड मतलब एंड होने लगती है, जब फीड ख़त्म होने लगती है, जब बच्चा जो है वो दूध पीना बंद कर देता है तब क्या होता है एंड ऑफ द फीड, फीड के ख़त्म होने के पहले ये जो हिंड मिल्क होता है वो क्या होता है सिक्रीट होता है। इज रिच इन फैट एंड एनर्जी, लेकिन इस मिल्क में क्या होता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा फैट होती है और साथ में क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और फैट जो है इसमें पाई जाती है। एंड सेटिस्फाई द बेबीज हंगर, और जो हिंड मिल्क है वो बेबी को सेटिस्फाइड कराता है हंगर से, मतलब हंगर मतलब अगर भूखा है बेबी, अगर बच्चा भूखा है तो उसको सेटिस्फाइड कराता है कि हाँ वो भूखा नहीं है। तो बच्चों ये थे 5 चीज़ें थी, ये टाइप्स ऑफ मिल्क की 5 चीज़ें थी। कोलोस्ट्रम था जो डिलीवरी के 3 डेज के बाद से स्टार्ट हो रहा था, और ये येल्लो कलर का था, थिक था, और साथ में इसमें एंटीबॉडीज और विटामिन ए डी के एंड के पाई जा रही थी। उसके बाद ट्रांजेक्शनल मिल्क था जो नेक्स्ट 2 वीक तक क्या होता है सिक्रीट होता है, और इसमें प्रोटीन्स कंटेंट और इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, लेकिन शुगर और फैट जो होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद बच्चों मैच्योर मिल्क था जो ट्रांजेक्शन मिल्क को फॉलो कर रहा था, और ये क्या था थिनर था मतलब पतला, और इसमें जो पानी की मात्रा थी वो ज़्यादा थी, बट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें सारे जितने भी आहार हैं वो पाए जा रहे थे जो भी बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फोर मिल्क था, ये मिल्क जो है सिक्रीट होता है जब बेबी स्टार्ट हो जाता है, जब वो पूरे फ्लो में होता है, फीड को फ्लो में होता है तब उस टाइम पे ये स्टार्ट होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, शुगर भी पाया जाता है, विटामिन एंड वाटर भी पाया जाता है बच्चों। उसके बाद लास्ट था हिंड मिल्क, ये हिंड मिल्क क्या है जो बहुत बाद में आता है जब बेबी बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है, जब बेबी का बिल्कुल बंद करने वाला होता है वो फीड को, तब ये सिक्रीट होता है, और इसमें क्या होता है फैट भी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, और बच्चों को सेटिस्फाइड भी करता है कि हाँ वो भूखा नहीं है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और ब्रेस्ट मिल्क क्या है और उसके
टाइप्स क्या है यूनिसेफ और WHO ने क्या बोला है। तो यही हमने पढ़ा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पौष्टिक आहार है बच्चों के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है एक वे है बच्चों को स्तनपान कराने का, और यूनिसेफ और WHO के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चों को सिर्फ 6 मंथ तक क्या ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराना है, क्योंकि उसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। टाइप्स हमने पढ़े थे 5 प्रकार के, कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल और हिंड मिल्क, मैच्योर मिल्क, और साथ में पढ़ा था हमने बच्चों 4 मिल्क। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।